राजधानी दिल्ली से है। यहां मधुविहार में पार्किंग में देर रात आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। आगजनी में 17 गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की खबर है। आग कैसे लगी इसकी अभी जांच की जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। पार्किंग थी जहां कारों को नुकसान पहुंचा है। लगभग 17 गाड़ियों को आग की वजह से नुकसान पहुंचा है। हालांकि दमकल की गाड़ी जैसे ही सूचना मिली फौरन वहां पर पहुंची और अभी इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर ये आग लगी कैसे। पल बदल दिया था और अब पुणे क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने दावा किया कि न सिर्फ ब्लड सैंपल बल्कि उस आरोपी नाबालिग की फिजिकल चेकअप रिपोर्ट में भी छेड़खानी की गई थी। मतलब इस रिपोर्ट के जरिए ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि उस रात नाबालिग आरोपी ने शराब नहीं पी थी। इसके अलावा उसके शरीर पर चोट के कोई निशान भी नहीं थे। दावा किया गया कि ऐसा करके उसके परिवार वाले ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जब ये घटना हुई तो उनका बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था और इसी वजह से उसे कोई चोट नहीं आई। पुणे क्राइम ब्रांच ने एक दिन पहले ही उसके ब्लड सैंपल को बदलने के आरोपी डॉक्टरों को कोर्ट के सामने पेश किया था। आरोप लगे थे कि उन डॉक्टरों ने घटना के बाद आरोपी नाबालिग का ब्लड सैंपल लेकर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था और उसकी जगह किसी और का ब्लड सैंपल जांच के लिए आगे बढ़ा दिया था। सौबात की एक बात यह कि पुणे केस में कानून को लेकर ही सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। कानून को तोड़कर नाबालिग को बचाने की कोशिश के आरोप पर तो आक्रोश है ही, लेकिन हकीकत यह भी है कि वो लड़का है तो नाबालिग, और जब तक अदालत उसको बालिग मानकर केस न चलाए वो केस चलेगा तो बच्चों वाली अदालत में ही। जुर्म साबित भी हो गया तो माना तो जुर्म बच्चे का ही जाएगा। उसे सजा भी हो गई तो सजा वही होगी जो कानून नाबालिगों को सजा देता है। कैद भी होगी तो बच्चों वाली जेल में होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, कानून ही ऐसा है। हम जब उसकी बात कर रहे हैं तो उसका नाम भी नहीं ले सकते, नाम भी नहीं बोल सकते उसका, क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। क्योंकि कानून इस मकसद से बना है ताकि किसी लड़के या लड़की से अनजाने में कोई जुर्म हो जाए तो उसे सुधरने का मौका मिले, उस पर जिंदगी भर ये कलंक ना रहे, इसलिए उसका नाम भी नहीं ले सकते। लेकिन उसको नाबालिग माना क्यों जाए, क्यों माने कि वो बच्चा है, वो क्यों नादान था। उसके पिता ने ही उसको बोला ना कि जाकर शराब पियो। वो चोरी छिपे तो शराब पीने नहीं गया था। उस लड़के को भी पता था कि कानून उसको शराब पीने की इजाजत नहीं देता और उसके पिता को भी पता था कि बच्चे कानूनन शराब नहीं पी सकते, फिर भी उसके पिता ने उसे अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी करने भेजा ना, उसको पैसे दिए ना शराब पीने के। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मार। टंकी मतलब वेक्टर्स। ममता के गढ़ कोलकाता में पीएम मोदी का रोड शो। रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। पीएम मोदी न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, तृणमूल कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से मुस्लिम को ओबीसी बनाया। इन्होंने पिछले दरवाजे से रातों रात मुस्लिम समाज के अलग अलग समुदायों को ओबीसी बना दिया और ओबीसी का जो हक था उसको लूट लिया।